नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर बाकी बढ़िया हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर और मुझे आप लोगों का हालचाल जानने का पूरा हक है। तो फिलहाल दोस्तों, अभी आप मेरे बगल में जिस वीडियो को प्ले होता हुआ देख रहे हैं, इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे स्काई में डबल रोल दिखेगा, साथ में आपको यहाँ पे लड़की का एक फोटो का दिखेगा। तो इस तरह का दोस्तों जो यूनिक कंटेंट का वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, अगर आपको अभी इस तरह का डबल रोल वीडियो एडिट करना है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कुछ इस तरह से स्काई के सामने जाकर वीडियो को शूट कर लीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन के तौर पर यहाँ पे रोहित भाई को दिखा रहा हूँ, रोहित भाई के वीडियो को दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्काई के सामने जो वीडियो आपको शूट करने का मन करेगा वो कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं की होना तो दिमाग लगा सोच क्या रहे हो, अपने भाई का वीडियो है, लाइक करना तो बनता है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको दोस्तों फ्यूचर में भी इसी तरह के एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आपको नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी दोस्तों बिना किसी देर के चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, देन आपको वहाँ पर दिखाऊंगा किस तरह से आपको इस प्रकार का जो वीडियो आपको एडिट करना है। दोस्तों इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए आपको दो ऐप का जरूरत पड़ने वाला है। पहला आपका टर्बो ओपन जो कि एक VPN सॉफ्टवेयर है, दूसरा है कपगेट। अगर आप इंडिया से इस पहले वीडियो को देख रहे हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टर्बो ओपन को कनेक्ट कर लेना होगा। ध्यान सुनिए दोस्तों, आपको इसको पहले कनेक्ट कर लेना ही है। मैं इसको पहले कनेक्ट करके रखा हूँ। अभी आपको यहाँ पे कपगेट ऐप को ओपन करना होगा। जब दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे। अभी आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। देख सकते हैं साथियों, मेरे गैलरी में जितने सारे वीडियो है वो वीडियो आपको यहाँ पर अभी शो हो रहे हैं। सबसे पहले आपको उस वाले वीडियो को सिलेक्ट करना होगा जिस वीडियो का दोस्तों आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो। मैं गाइस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रोहित भाई के एक वीडियो को सिलेक्ट किया हूँ। सबसे पहले मैं इस वाले वीडियो का जो वॉल्यूम है यहाँ पर म्यूट कर लेता हूँ, आपको ये चीज़ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अपने वीडियो का ऑडियो जो है म्यूट कर लिया हूँ। करने के बाद साथियों आपको अपने वीडियो में लास्ट में जाना होगा, जाकर ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। अगर आप इसको डिलीट करना भूलोगे ना तो आपके वीडियो के एंड में ये चिपका ही रहेगा। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको आप पहले डिलीट कीजिएगा, ठीक है। करने के बाद साथियों आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में आ जाना होगा। आने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर एक ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको इस वाले ओवरले के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एड ओवरले को सिलेक्ट करके जिस वीडियो को आपने अभी सिलेक्ट किया है उसी वाले वीडियो को आप यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट कीजिएगा, देन आपको यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। देख सकते हैं साथियों, जो वीडियो है उसको मैंने दोबारा सिलेक्ट कर लिया है। अभी आपको उस वाले वीडियो को पकड़ना है, देन जिस भी कोना में आप देख पा रहे इस वाले वीडियो को मैं यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर में इसको यहाँ पे इस जगह पे लगाऊंगा। तो मैं इस वाले वीडियो को यहाँ पर ले आता हूँ। आप अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड में लगाना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में लगाइएगा, मैं इसको राइट साइड में लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर राइट साइड में रखूंगा, ठीक है। लेकिन यार लेफ्ट साइड में ज़्यादा बेहतर लगेगा ना, तो उसको मैं क्या करूँगा, पहले नीचे में जो ऑप्शन सब दिख रहा होगा इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस वाले एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन मिरर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। और ये जो वीडियो है इसको मैं यहाँ पर इस साइड में इस वाले कोना में यहाँ पर ले आऊँगा। लाने के बाद दोस्तों आपको इस वाले वीडियो का भी वॉल्यूम को आप यहाँ पर जीरो कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से। करने के बाद आपको नीचे में जो ऑप्शन सब दिख रहा होगा इसी ऑप्शन के लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पर एक पहले आपको इस वाले वीडियो का जो बैकग्राउंड है आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इस वाले रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देख पा रहे हो इस वाले वीडियो का जो बैकग्राउंड यहाँ पर तुरंत रिमूव हो गया है। आपका यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड 100% तक होगा, उसके बाद ही आपका बैकग्राउंड जो है रिमूव होगा। अभी आपको इस जो नीचे में ऑप्शन सब दिख रहा होगा इसी ऑप्शन को अगर थोड़ा सा अगर स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पर मार्क्स का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इस वाले मार्क्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर फर्स्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं, आपको दोस्तों इस वाले स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन ये जो लाइन है इसको गाइस आपको देख पर यहाँ से स्काई स्टार्ट हो रहा है, तो गाइस आपको यहाँ पर इतना इसको रखिएगा, रख लेने के बाद इसको खींच देना होगा। जैसे आप इसको खींचोगे ना जिस प्रकार से देख पा रहे हो जो वीडियो का शेडो है यहाँ पर नीचे में आ जा रहा है। आने के बाद अभी अगर मैं अपना वीडियो को प्ले करूँगा तो वीडियो गाइस अभी कुछ इस प्रकार से आएगा, देख पा रहे हो, मतलब ये जो पीछे वाला वीडियो इस वाले वीडियो के ऊपर में आ जा रहा है ना। तो इसके लिए गाइस आपको वापस से आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में जाना होगा। जाने के बाद आपको यहाँ पे वापस से ऐड ओवरले का ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपका जो मेन वीडियो है उसी वाले वीडियो को आपको वापस से सिलेक्ट कर लेना होगा। देख सकते हैं दोस्तों जो वीडियो है उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अभी आप अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से वीडियो को गाइस आप यहाँ पे पहले फुल स्क्रीन में कीजिएगा। करने के बाद आपको इस वाले वीडियो का भी आपको बैकग्राउंड जो रिमूव करना होगा, उसके लिए आपको नीचे में रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ पे तुरंत रिमूव हो जाएगा। अभी अगर मैं अपना वीडियो को रुकिए ऑडियो को मैं यहाँ पे म्यूट करना भूल गया,
ऑडियो जीरो में। अभी अगर देख पा रहे वीडियो गाइस कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, मतलब मेन वीडियो जो मेरा आगे है देन पीछे वाला जो है आपको पीछे ही दिख रहा है। अभी गाइस आपको यहाँ पे जिस भी लड़की का वीडियो फोटो आप लगाना चाहते हो उस वाली फोटो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे ऐड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। मैं आपको दिखाने के लिए इस वाले वीडियो में साई पल्लवी मैम का एक फोटो को सिलेक्ट करूंगा ठीक है। तो मैं यहाँ पे साई पल्लवी मैम का फोटो सिलेक्ट किया देन ऐड इसको मैं कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों जो फोटो यहाँ पर आ चुका है। अभी आपको अपनी फोटो को कुछ इस प्रकार से अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। देन ये जो राइट साइड का कॉर्नर है कॉर्नर में आप इसको ले जाइएगा देन कुछ इस तरह से इतना में इसको लाइएगा। लाने के बाद दोस्तों आपको इस फाइल पर क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पे क्या कीजिएगा पता है, आपको वापस से वही जो आपके जो मार्क्स का ऑप्शन है आपको मार्क्स में चले जाना होगा। जाने के बाद आप अपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। देन ये जो एरो सब है एरो सब को पहले आप यहाँ पे इतना में इसको रखता हूँ ठीक है। मैं इसको इतना में रख दूंगा, इसको मैं इतना बढ़ा दूंगा। बढ़ा लेने के बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं खींच इस प्रकार से खींच दूंगा। मैं इसको इतना खींच दूंगा, इतना में बढ़िया लग रहा है ठीक है। तो मैं इसको इतना रख देता हूँ कुछ इस प्रकार से। रखने के बाद दोस्तों ये जो फोटो है फोटो का ड्यूरेशन को आपको यहाँ पर लास्ट तक आप इसको कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो देख पा रहे नीचे में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर वन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। लीजिए साथियों आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो यार इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस प्रकार का वीडियो एडिट कर सकते हो। अभी दोस्तों आपको इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर में एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले एरो में क्लिक करके आप अपने वीडियो को जिस भी एक्सपेक्ट रेशियो में एक्सपेक्ट करना चाहते हो कर लीजिएगा। तो यार उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो ट्यूटोरियल है आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। फिर भी अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ भी सवाल या फिर सुझाव हो तो आप मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर बेशक मुझे पूछ लीजिएगा या फिर बता दीजिएगा। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। बाकी चैनल पर अगर आप नहीं हो तो भाई का चैनल सपोर्ट करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय डाडा, नमस्कार।